पुराने समय में जो लोग देसी खुराक खाया करते थे, शक्तिशाली आहार लिया करते थे, तो उस समय भोजन में डाइट में दम होता था, जिसको खाकर हर कोई वीरवान बलवान तेजस्वी बनता था। इतने शक्तिशाली लोग यहाँ के हुआ करते थे कि अंग्रेज हो चाहे कोई भी विरोधी ताकत, किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि हमारे यहाँ के पहलवान योद्धाओं महान पुरुषों की आँख में आँख भी मिला सके। बस हमारे यहीं अंदर ही कुछ गद्दार निकले जिनकी वजह से मामला खराब हो गया। खैर, मैं बात कर रहा हूँ हमारे पुराने शक्तिशाली भोजन की, जिसको खाकर हर कोई हमारे यहाँ दमदार हुआ करता था। ये सब अंग्रेजों से देखा नहीं गया तो उन्होंने हमारा खान पान बदला। और जैसा कि आप सब जानते हो कि आज भी वो अंग्रेजों का खान पान, मैदे वाला खाना, डबल रोटी, ये सब हमारे देश में दुनिया भर में चल रहा है। ये खाने से होता क्या है, जैसे ही इसको खाने के बाद पहले काम वासना जागती है, फिर बुद्धि भ्रष्ट होती है, फिर इंसान कहीं का नहीं रहता। और हुआ भी आज जो हम देखते हैं कि हर कोई वीरनाश का शिकार हो रहा है, मास्टरबेशन कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है गंदा खाना, जिसकी वजह से यह सब हुआ है। कि आप जानते हो सांस फूलने के दो सबसे बड़े कारण हैं, जिस पर मैंने स्टडी की है अभी अभी। पहला कारण है सांस फूलने का फास्ट फूड, और दूसरा कारण है मास्टरबेशन, हस्तमैथुन। और क्या आप जानते हो जब तक किसी इंसान के शरीर में अच्छी तरह से सांस नहीं बन पाती तो वो बलवान बन ही नहीं पाता। तो भाई बात को निचोड़ के हल ये निकलता है कि देखो, पुराना खानपान जो हुआ करता था वो अपनाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा तभी दम बढ़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब कुछ पहले की तरह खाने लग जाओ, पहले की तरह रहना सहना शुरू कर दो, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारे खेतों की मिट्टी में वो दम नहीं रहा, क्योंकि खतरनाक जहर छिड़का जाता है। लेकिन इतना दम तो है आज के माहौल के हिसाब से, अगर आप पुराना देसी खानपान थोड़ा बहुत भी अपना लेते हो और वीर रक्षा कर लेते हो, तो भाई दमदार और वीरवान आप दिखोगे, भीड़ से बिल्कुल अलग आप दिखोगे। लेकिन जो संभव है वो करने की पूरी कोशिश करें, जो आप अपना सकते हो वो जरूर अपनाओ मेरे भाइयों। बाकी इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो कि आज भी वैसी की वैसी नेचुरल और बिल्कुल ओरिजिनल मिलती है, और शरीर को बलवान और वीरवान बनाने में उतनी ही क्षमता रखती है जितनी पहले रखती थी। सबसे पहले आती है दाल। दालें जब उगाई जाती है तो उनमें कीड़े अधिक नहीं लगते, इसलिए दालों में केमिकल नहीं होता। इसलिए दालें जितने भी प्रकार की है, ये इंसान के शरीर को बिल्कुल भयंकर तगड़ा बना देती है, अगर इसको भरपेट हर रोज अलग अलग करके कोई भी युवा खा ले। ये बात अंग्रेजों को पता थी कि दाल भारत के सबसे शक्तिशाली आहारों में आती है और इसमें केमिकल भी नहीं डाला जा सकता। तभी अंग्रेजों ने कुकर चलाए। जो हमारे महान क्रांतिकारी हुआ करते थे, जो जेल में गए, उनको अंग्रेज कुकर में सब्जियां, दाल ये सब बना कर दिया करते थे। कुकर क्या करते हैं, कुकर दाल का प्रोटीन या किसी भी सब्जी का प्रोटीन बिल्कुल निचोड़ लेते हैं, या कि एक तरह से ये कह लो कि पूरे का पूरा न्यूट्रिशन खींच लेता है, जिससे दाल नहीं वो पानी रह जाता है। मतलब कुकर में आप कोई भी सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, वो पीछे से पानी रह जाता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता। लेकिन पहले जो हमारे क्रांतिकारी योद्धा मिट्टी की हांडी में दाल और लाल लाल लस्सी बनाकर खाते पीते थे, वो भाई शरीर को बलवान और वीरवान बना देती थी। इसको बोलते हैं शक्तिशाली आहार। इसलिए अंग्रेजों ने हमारे यहाँ के लोगों की शक्ति को देखकर हमको कमज़ोर बनाने के लिए ये सब चीज़ें चलाई। इसलिए भाई अगर कर सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना तो करो कि हर रोज़ लंच में दाल खाना, हर रोज़ अलग अलग प्रकार की दाल बनाना पतीली में हर रोज़। थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो समय आपको बलवान और दमदार बना देगा, कुछ महीनों में आपकी मसल्स ताकतवर और बड़ी बना देगा। सब्जियां, हमारे भारत की मिट्टी में उगाई जाने वाली सीजन की सब्जियों में इतनी शक्ति होती है, इतना दम होता है कि आप इन सब्जियों को किसी भी जानवर को खिलाकर देख लेना, बैल भैंस या कोई भी आपके घर में जो जानवर है उसको खिलाना कच्ची, उनका शरीर एकदम से बलवान हो जाएगा। इसके अलावा हमारे जो पहले देसी पहलवान हुआ करते थे, वो सब लंच में या लंच से पहले 5-5, 10-10 किलो सब्जियां खाते थे उबाल उबाल कर, और उनका बल इतना अधिक हुआ करता था, वो बताने की मुझे जरूरत है नहीं आपको। अगर लॉजिकली बात करूँ तो भाई सब्जियों में आयरन, कैल्शियम, फाइबर होता है, जो कि आपका स्टेमिना बढ़ाता है, हड्डियाँ मजबूत करता है, हड्डियों का साइज बढ़ाता है, और लीवर को मजबूत करता है, आपकी भूख बढ़ाता है। देखो वैसे तो सब्जियां हमारे भारत, हमारे भोजन का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा, जो हम 3 समय भोजन करते हैं, ठीक है। लेकिन भाई जो हम खाते हैं सब्जियां बाजार से लेकर आते हैं, उनमें जान ही नहीं होती। अब एक चीज़ सोचो, आप 3 टाइम भोजन कर रहे हो, 3 टाइम सब्जी खा रहे हो, उस भोजन में मेन रोल सब्जी का है, और उसी वही सब्जी आप नकली खा रहे हो केमिकल वाली, तो दम कैसे बढ़ेगा। इसलिए अगर आप घर में, अपने घर में, बगीचे में या कहीं भी छोटी सी जगह पर अपनी नेचुरल सब्जियाँ उगाते हो और वो कच्ची खाते हो, तो भाई वो सब्जी आपको वीरवान और बलवान बनाएगी ही बनाएगी। उसके बाद फिर कुछ जड़ी बूटियाँ आ जाती है, जैसे कि अश्वगंधा, कोंच, बीस फेद, मूसली, गिलोय और भी बहुत सारी, भर भर के इतनी सारी जड़ी बूटियाँ हमारे देश में है, जिनको अगर आप सीजन के हिसाब से खाओगे तो वो जड़ी बूटियाँ वीरवान और बलवान बनाने का काम करती है। आपने कभी ना कभी सुना होगा पहले योद्धा राजा यही जड़ी बूटियाँ खाया करते थे। ये जड़ी बूटियाँ इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर आप जैसे ही गर्मियों में मान लो आपने थोड़ी सी भी भस्म खा ली, तो भाई लीवर में, बॉडी में गर्मी फैल जाएगी और पूरा मामला खराब हो जाएगा। इसलिए इन जड़ी बूटियों को सही तरीके से समय के हिसाब से अगर खाया जाए तो ये वीरवान और बलवान बनाती है। इसलिए कुछ
ऐसी जड़ी बूटियां मैं आपको बताऊंगा जिसको आप इस समय ले सकते हो, अश्वगंधा, कोंच बीज, शतावर, सफ़ेद मूसली, गिलोय, और ये सब जड़ी बूटियां बिल्कुल प्योर आपको सेहत सुधा में मिल जाएगी। और ये जितनी भी जड़ी बूटियां इसके अंदर है जिनका मैंने नाम लिया और आप देख भी सकते हो, आप कहीं पर भी सर्च कर लेना, कहीं पर भी, ये जड़ी बूटियां सबसे फास्ट बिना कोई नुकसान पहुंचाए सबसे फास्ट ताकत स्टैमिना बढ़ाती है और वीरवान और बलवान बनाती है। आप सर्च कर सकते हो। और ये जो सेहत सुधा है मानव हर्बल का है जो कि बिल्कुल प्योर आयुर्वेदिक है। इसके अंदर आपको पाउडर मिलेगा जो कि जड़ी बूटियों से मिलकर बना है। जब आप सुबह खाना खाते हो तो ब्रेकफास्ट के आधे घंटे 40 मिनट बाद दूध में एक चम्मच मिलाकर इसका ले सकते हो। अगर दूध नहीं है आपके पास तो एक गिलास पानी लेना है आपको, उसमें एक चम्मच डालकर पी लेना है और ऐसे एक चम्मच इस पाउडर का पानी के अंदर डालकर ले लेना है जैसे आप देख रहे हो। दूध हो तो दूध में भी ले सकते हो, पानी अगर दूध नहीं है आपके तो आप पानी में भी ले सकते हो। और फिर आपको अपने टेस्टोस्टेरोन में फ़र्क दिख जाएगा, ताकत शक्ति सब चीज़ में फ़र्क दिख जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर चेकआउट करो, ऑर्डर कर सकते हो। देसी गाय के दूध से बना कोई भी आहार, वो चाहे दही हो, देसी घी हो, दूध, खोया, पनीर, कुछ भी, वो भाई आज भी वैसा ही दमदार है जो पहले प्राचीन समय में होता था। क्योंकि देखो इस चीज़ को समझो, भैंस और गायें वही केमिकल वाला चारा खाती है जो आज के समय में है। भैंस के पेट में जहर जाता है, वो जहर दूध में भी मिलता है, जो भैंस का दूध होता है वो जहर दूध में भी आता है, और फिर उससे हमारे दिमाग पर भी असर पड़ता है। और दूसरी चीज़, दूध अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता भैंस का, क्योंकि उसके दूध में जहर आता है जो भैंस चारा खाती है। लेकिन क्या आप जानते हो, गाय को आप सीधा डायरेक्ट भी अगर जहर दे दोगे देसी गाय को, तब भी देसी गाय के दूध में तो क्या मूत्र में भी जहर नहीं आएगा, ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। श्री राजीव दीक्षित जी ने बताया था कि देसी गाय को एक बार हर रोज़ चारे में थोड़ा थोड़ा जहर दिया गया, लेकिन दूध में मूत्र में कहीं पर भी जहर नहीं आया। फिर बाद में पता चला कि गाय माता ने उस जहर को अपने गले में अटका रखा था, क्योंकि गाय का जो देसी गाय थी उसका गला नीला हो गया था जब उसकी मृत्यु हुई। और हाँ, यहाँ पर मैं सिर्फ देसी गाय की बात कर रहा हूँ, और कोई भी जर्सी अमेरिकन गाय की बात मैं नहीं कर रहा, हमारी भारतीय देसी गाय की बात कर रहा हूँ। इसलिए भाई देसी गाय के दूध में, दूध से बने आहार जितने भी हैं उनमें जान होती है भर भर के, और ये साबित भी हो चुका है। गुरुकुल में आप देख लेना, कुलदीप भाई ये भी देसी गाय के दूध पीते थे, देसी गाय के दूध से बने आहार गुरुकुल में खाया करते थे, ठीक है। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 25,000 पुशअप लगाए। और एक हमारे यहीं हरियाणा के हैं संजय पहलवान जी, वो सिर्फ देसी गाय के दूध से बने पूरा दिन आहार खाते हैं। देसी गाय की खीर वो वर्कआउट से पहले लेते हैं, वर्कआउट के बीच में भी देसी गाय की खीर, पोस्ट वर्कआउट मील में भी देसी गाय की खीर, दोपहर में भी देसी गाय की खीर, रात को भी देसी गाय की खीर, दही दोपहर में देसी गाय के जो दूध से दही बनाते हैं वो, मतलब भाई सुबह से शाम तक जो भी खाना वे खाते हैं, जितने भी आहार, दूध, दही, खोया, पनीर जो भी वे खाते हैं, सब देसी गाय के दूध से बने होते हैं। उनके उन्होंने छोटी ही जगह बना रखी है, वहाँ पर अखाड़ा है, और उस अखाड़े में उनकी देसी गाय माता जो है वो बैठती है, और वो सुबह शुरुआत करते हैं मूत्र पीकर देसी गाय को, और पूरा दिन देसी गाय का आहार खाते हैं। और डेली भाई कम से कम 30,000 सपाटे लगाते हैं, और उनकी बॉडी भाई लोहा जिसे बोलते हैं ना, लोहे से भी मजबूत, और उनके बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई, कोई दुनिया में कोई टक्कर देने वाला नहीं है। तो आप यहाँ से शक्ति देख सकते हो भाई, और वो खुद मानते हैं कि भाई ये सब मेरी देसी गाय के जो आहार मैं खाता हूँ ब्रह्मचार है, और देसी गाय के भोजन से ये सब, मतलब देसी गाय के दूध से बनी ये चीज़ों को खाकर मैं इतना शक्तिशाली बना हूँ। तो ये दो रीज़न उसने अपनी शक्ति के बताए हैं। अब आपको क्या करना है वो समझो, एक छोटी ही चीज़ समझो, अगर आपके घर में गायें, मतलब गायें भैंस है, तो अगर आपके पास जर्सी गायें अमेरिकन गायें हैं तो भाई उसको हटाकर देसी गायें लेकर आ जाओ, बात ख़त्म, ठीक है। क्योंकि उसका दूध में कुछ होता ही नहीं, वो पानी होता है जो जर्सी गायें का दूध होता है। अगर आप गायें ले रहे हो तो भाई देसी गायें लेकर आ जाओ। अगर आपने बहुत सारा, आप गाँव में रहते हो, भैंस है आपके पास, तो एक देसी गाय अपने लिए बांध लो, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आपके पास कुछ नहीं है, मतलब ना भैंस है ना गायें हैं, आप शहर में रहते हो, तो भाई आप करो इतना कि आप आसपास कोई देसी गाय देखो, उनके साथ भाई 10-20 रुपया 50 रुपया फालतू देकर उनको बोल देना कि भाई दूध में कोई पानी ना मिलाए, जो भी है भाई हमको प्योर दूध दे, ऐसे ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू पैसे दे देना भाई, ठीक है। क्योंकि भारतीय संस्कृति बचानी बहुत ज़रूरी है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या कर सकते हो, अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं है ना, तो इतना करो, कहीं से भी देसी गाय के देसी घी का अरेंजमेंट करो, और सब्जी में, दूध में वही पीना है आपको देसी घी जो देसी गाय का लेकर आते हो, बस ये सब चीज़ें फॉलो करो, और भाई
वीर्यवान बलवान बस। और हाँ, वीर्यवान वो बनता है जो वीर्य की रक्षा करता है, और आप ये सब चीजें फॉलो करोगे वीर्य नाश करोगे, उसका कोई फायदा नहीं। वीर्यवान बनना है, बलवान बनना है, इन सब चीजों को फॉलो करो, यही चीजें आपको वीर्यवान बना सकती है। अगली वीडियो किस पे चाहिए, और भी मैं बहुत सारी वीडियो लेकर आऊंगा, वीर्य को एनर्जी में कैसे बदले, बहुत सारी वीडियो आएंगी। कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।